कलयुग में कुछ है ही नहीं दूसरा। संत कबीर जी कहते हैं, नाम लिया जिन्हें सब कुछ किया, जिसने नाम स्मरण किया उसने सारी साधना कर ली। नाम लिया जिन सब कुछ किया, उन्होंने सब कुछ कर लिया। ये संत कबीर जी कह रहे हैं, नाम लिया जिन सब कुछ किया, क्योंकि व्यास आसन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यास आसन की ये जिम्मेदारी है कि आपका अधिक से अधिक कल्याण है। आपका अधिक से अधिक भला हो। नाम लिया जिन सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद, सारे शास्त्रों का सीक्रेट, सारे शास्त्रों का सार, सारे शास्त्रों का रहस्य यही है। नाम लिया जिन सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर नर के गया पर पढ़ चारो। ये तो कबीर जी कहते हैं, कबीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भारत के महान संतों में से एक। उन्होंने अपने जीवन का सार बताया, इतने वर्षों की तपस्या के पश्चात उनके ज्ञान का जो रहस्य है वो बताया, उनके ज्ञान का जो सार है वो बताया। ये जो आप माला थैली लेके घूमते हो ना, ये आपके आत्मा के कल्याण के लिए पर्याप्त है। ये जो आप बैठ के यहाँ कीर्तन करते हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये बड़े से बड़े पाप को धो डालता है, बड़े से बड़े पापी को तार देता है, बड़े से बड़े अपराधी का उद्धार कर देता है। नाम में इतनी शक्ति। और ये महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से प्राप्त हुआ, महाप्रभु से पहले किसी को नाम स्मरण करने का अधिकार ही नहीं था। ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, क्योंकि वो भगवान है और वो सब कुछ कर सकते हैं। नाम लिया जिन्हें सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर नर के गया पढ़ पढ़ चारो वेद। ये कौन कह रहा है? ये संत कबीर जी कह रहे हैं। अब गुरु नानक देव जी की ओर आइए। जब मैं आप सबों से ये करवाता हूं कीर्तन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कोई बोझ नहीं होता, भले ही आपको रस आए ना आए, लेकिन आपसे ये कीर्तन करवाता हूं उस समय मेरे विवेक पे कोई बोझ नहीं है। क्यों? कि वो आपके भले के लिए, जो मैंने गुरु परंपरा से सुना उसका सार है, उसका तत्व है। भले ही आप सोचे रोज एक ही कीर्तन होता है, क्योंकि हमारे मन को कन्न रस की आदत है, हमारे मन को कुछ नया नया चाहिए, परिवर्तन मन को चाहिए। लेकिन साधना जो सिद्ध होती है वो तो एक ही होती है, साधना में कोई नया नया पना नहीं आता है। तो गुरु नानक जी क्या कहते हैं? मिल साध संग बच के बच, और कोई चर्चा ही नहीं करो, और किसी के विषय चर्चा ही नहीं करो, मात्र नाम की महिमा, ये हरि नाम की महिमा। ये जो आपके हाथ में माला थैली है ना, ये
कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम किया। ये जो आप माला पे भजन करते हो ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम करते हैं, आप स्वयं अपने ऊपर उपकार करते हैं। क्योंकि हम जो दूसरी चीजें लेते हैं वो हमसे छीन ली जाए, हमारी अंगूठी, हमारे चश्मे, हमारे गले का मंगलसूत्र, हमारे हाथ की चूड़ियां, हमारा और धन, हमारी और प्रॉपर्टीज, हमारे नाम, जो कुछ भी है वो हमसे ले लिया जाए। ये साधन मात्र तंदुरुस्ती तक है, बीमारी में ये साधन भी सब कड़वे लगते हैं। बीमार आदमी को चूड़ियां पहनना पसंद नहीं है, बीमार आदमी को मेकअप करना पसंद नहीं है, बीमार आदमी को कान में पहनना पसंद नहीं है, बीमार आदमी को अच्छे कपड़े पहनना पसंद नहीं है, वो तो अपनी जान से ही बेजार होता है, अपने शरीर से ही तंग होता है। तो ये साधन तो मात्र तंदुरुस्ती तक अच्छे, बीमार आदमी को पति पत्नी भी अच्छे नहीं लगते, बच्चों से भी अजीब सी एजिटेशन होती है, कहते इनको लेके जाओ तबियत ठीक नहीं है और फिर भी ये तंग कर। बीमार आदमी को कोई साधन नहीं समझ आते, बीमार आदमी का कोई भला कर सकता है तो उस समय क्या चीज है, संसारिक दृष्टि से दवाई, ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से हरि का आपका अगर कोई भला कर सकता है। इस समय याद रखना, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सही बात यह है कि हम सब मरण आसन पर बैठे हैं। हम में से किसकी मृत्यु कब हो जाए कोई नहीं जानता है। ऐसे में जबकि मृत्यु कभी भी किसी की किसी भी रूप में हो जाए, यह हरि का नाम आपके कल्याण के लिए। अब कबीर जी ने तो कहा, नाम लिया जिन सब कुछ क्या, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर नरक गया, पड़ चारो भेद। जब मैं व्यासासन पर बैठता हूं तो मुझे एक बात खटकती है कि इनको कैसे ज्यादा से ज्यादा इनका जीवन सफल हो, इस बात पे ही ध्यान केंद्रित होता है। इनको कुछ ऐसा कर दिया जाए, उनको कुछ ऐसा दे दिया जाए जो यम की मार से ये लोग छूट जाए, यम की मार से ये बच जाए। तो यम की मार से कैसे बचोगे, हर हर नाम जपने दिया, कुछ ना कहे जमकार, नानक तन मन सुखी बसे अंत मिले। ये व्यासासन का बहुत बड़ा दायित्व और बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, ये सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आपका कल्याण कैसे, आप मां के गर्भ से कैसे छूटो, आपका दूसरा जन्म कैसे न हो, पुनर्जन्म न हो। बाकी संसार के सुख तो मिले थे, मिले हैं और मिले गए, कुत्ते को कुतिया मिल जाती, बिल्ले को बिल्ली मिल जाती, गधे को गधे मिल जाती, ये साधन किसको नहीं मिले बताओ। खाना किसको नहीं मिलता, चिड़िया को भी मिल जाता है, अजगर करे ना चाकरी, कैसे है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके राखा राम। तो भगवान तो दे ही रहा है सबको, ये चीजें बिन मांगे, गधे को गधी बिन मांगे मिल जाती है और गधी को गधा बिन मांगे मिल जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि गधे के बच्चे नहीं होते,
अगर गधे के बच्चे ना होते तो लोग कैसे बोलते हैं गधे के बच्चे? गधे के बच्चे होते तभी बोलते हैं। कुत्ते को भी बच्चे होते, तो ये जो साधन है ये अगर गुरु के ओर से या व्यास आसन के ओर से मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। व्यास आसन का सबसे बड़ा उपहार और सबसे बड़ा उपकार ये हरि नाम होता है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा और काज तेरे कितना काम। देखिए ये जो आप कर रहे हो ना ये सारे साथ जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो इसमें आपका परम कल्याण है। परम कल्याण, बाकी शरीर के साधन याद रखना। तंदुरुस्ती तक अच्छा लगता है, इंसान बीमार होता तो टीवी भी अच्छा नहीं लगता है, कहते ऐसी भी बनकर उठन लग रही है। सब साधन के कारण और काज करे कितना काम। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इंसान गधे की तरह मेहनत करता है, एक चीज, और मेहनत करके जो पैसा कमाता है उसे कुत्ते की तरह भोग भोगता है। दो चीज, गधे की तरह कमाता है और कुत्ते की तरह भोग भोगता है, उसका बनेगा क्या? हम लोग ऐसे सुनते हैं फलाना सेठ 200 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मर गया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मर गया, उसके घर वालों ने उसकी अर्थी के साथ दो नोट के बंडल बांधे थे, या उसकी प्रॉपर्टी के कागज उसकी अर्थी के साथ जलाए नहीं। सबसे बुद्धि का काम है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, यदि संसार में आपने सब कुछ पा लिया तब भी क्या फायदा, और भक्ति में यदि कुछ नुकसान भी हो गया तो क्या गया, क्योंकि भक्ति में कोई नुकसान होता ही नहीं। अगर संसार में आप प्रवीण हो गए, संसार में आप होशियार हो गए, संसार में आप इंटेलिजेंट हो गए तो भी आपको क्या मिला? मंटू का फोन, मैं कहते नहीं आदमी कितना बुद्धिशाली है, बैठे 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 हम कहते धीरू भाई अंबानी को देखो पेट्रोल पंप में नौकरी करते 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 खरबों का मालिक हो गया, लेकिन जब अर्थी गई तो क्या लेके गया? और दुनिया ने देखा कि उनके बच्चे पीछे लड़ने लगे, कोर्ट में केस करने लगे। ये जो व्यास आसन की ओर से आपको दिया जा रहा है हरि नाम, हरे परम कल्याण करेगा, परम कल्याण करेगा। तब कबीर ने तो कह दिया नाम लिया जगह सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नर नर के गया पढ़ पढ़ चारों वेद। फिर गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में कह दिया और काज करे, देखो इन्होंने हैंड कर दिया है। ये जो आपको व्यास आसन के द्वारा मिल रहा है ये सबका सहार है। गुरु महाराज क्या करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने क्या किया? जैसे मधुमक्खी क्या करती है, हजारों फूलों और फलों पे घूमती है, हजारों फलों और फूलों का जो सार होता है वो किसके रूप में प्राप्त होता है? मधु के, शहद के रूप में, हनी के रूप में। हनी, शहद या मधु उस मधुमक्खी की मेहनत का फल है, निचोड़ है, सार है।
जो हजारों